दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करना, तो किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने फॉर्म रखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का, यहाँ पर दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है ये दिशा निर्देश है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी गई है जो कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पात्रता इसकी बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पात्रता दी गई है, कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहला जो पात्रता दी गई है, बताया जा रहा है कन्या के माता या पिता, यानी कि जो लड़की है उनके माता पिता बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, इसके बाद ही कन्या विवाह योजना का उनको लाभ दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है दो नंबर पे, विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। यानी कि लड़का का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और साथ ही यहाँ पे लड़की का उम्र 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो, यानी कि दोस्तों जब शादी हुआ था तो उस समय जो है एक निबंधन बनाया जाता है मुखिया के द्वारा, वो निबंधन आपको बनाया गया होना अनिवार्य है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है दहेज नहीं देने की घोषणा की गई हो, तो यहाँ पे दोस्तों एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा जो कि इसी फॉर्म में दिया गया है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपको डिक्लेरेशन भी करना होगा कि हमने शादी के वक्त कोई भी दहेज नहीं लिया था लड़की वालों की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों ये पात्रता दी गई है अगर आप कन्या विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक कागजात, तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है संबंधित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे दोस्तों आर ओ लेवल या फिर जो सी ओ लेवल का जो आय प्रमाण पत्र होता है जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये दोस्तों आपको आर टी पी एस काउंटर से बनवाना होगा या फिर अभी तो फिलहाल ऑनलाइन भी हो चुका है तो कहीं से भी आप ऑनलाइन करवा ले। और साथ ही दोस्तों वहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है कि जो आय प्रमाण पत्र यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनाएंगे वो 60,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है 60,000 से नीचे का ही आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेंगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो दस्तावेज है वो है आवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट, भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको आवासीय भी लगेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पासपोर्ट या फिर भूमि का यानी कि ज़मीन का कोई पेपर नहीं है तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करें, कहीं से भी आप कोई भी कंप्यूटर शॉप पे जा करके वहाँ से आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे बनवानी होगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आवासीय प्रमाण पत्र जो बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के नाम से होना चाहिए और साथ ही यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो लड़की के माता या फिर पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा है समक्ष पदाधिकारी द्वारा विवाह का निबंधन किए जाने का प्रमाण पत्र, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों शायद यहाँ पे 3 या 4 नंबर पे वो निबंधन प्रमाण पत्र दी गई है जो कि यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे विवाह निबंधन के लिए आवेदन जो कि शायद आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म को क्या करना है आपको भर के जमा करना होगा, तो यही सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट है बोला जा रहा है दहेज नहीं देने संबंधित शपथ पत्र, तो दोस्तों यहाँ पे एक शपथ पत्र भी दिया गया है जो कि सबसे लास्ट में है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके वहाँ पर दिखाऊँगा लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कन्या विवाह योजना हेतु शपथ पत्र दिया गया है, इस फॉर्म को भी आपको भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही फॉर्म था जो कि जिसे हम शपथ पत्र बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे भर के जमा करनी होगी आरटीपीएस काउंटर पे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट में दिया गया है जिन आवेदिकाओं के माता पिता का नाम ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी रेखा यानी कि जिसे हम बीपीएल बोलते हैं उसकी प्रकाशित सूची में होगी, उन्हें आय प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों केवल गरीबी रेखा की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छाया प्रति संलग्न करना यथेष्ट होगा, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप बीपीएल लिस्ट से आते हैं तो यहाँ पे ना ही आपको आय प्रमाण पत्र और ना ही यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होगी, सिर्फ और सिर्फ जो बीपीएल कार्ड होता है जिसे हम लाल कार्ड बोलते हैं उसका फोटोकॉपी करवा करके यहाँ पे संलग्न करना होगा, तो यहाँ पे आपको आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको
संलग्न करना होगा इस फॉर्म के साथ। अब दोस्तों चलिए हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको फॉर्म भरनी है और यहाँ पे कितने फॉर्म दिए गए हैं और किस प्रकार से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से भर के कहाँ पे आपको जमा करनी है, ये सारी चीज़ें चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्म है यही फॉर्म हम पढ़ रहे थे जहाँ से हमने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भरनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इस फॉर्म में लिखी हुई है। बिल्कुल बारीकी से आप वीडियो को रोक करके देख लें और साथ ही दोस्तों इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है जो कि प्रपत्र क है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसे भरना होगा प्रपत्र क को, इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों दो नंबर पर देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रपत्र संख्या क का 2 यहाँ पे जो है दिया गया है, ये फॉर्म भी आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रपत्र संख्या क का 3 है, ये फॉर्म भी भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला पेज पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने बताया था विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, यही सर्टिफिकेट है जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट भी बोलते हैं जो कि आपको मुखिया से साइन मोहर इस पर करवाना होगा, तो इसे आप बिल्कुल बारीकी से भर लें। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रपत्र संख्या क का 1 है, ये फॉर्म भी आपको भरनी है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कन्या विवाह योजना हेतु संधारित पंजी का प्रपत्र, ये दोस्तों हमने बताया था कि ये भी प्रपत्र आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा तो ये फॉर्म भी आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करते हैं, अब दोस्तों सबसे लास्ट में जो दिया गया है कन्या विवाह योजना हेतु शपथ पत्र जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, ये फॉर्म बिल्कुल आसानी से आप भर पाएंगे। यहाँ पे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, आप बिल्कुल गौर से यहाँ पे देख लें वीडियो को रोक करके, बहुत ही आसान है इस फॉर्म को भरना। भर करके आप क्या करेंगे, RTPS काउंटर पे जमा करना होगा, इसके बाद ही आप कन्या विवाह योजना का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज़ बताना भूल गया, चलिए हम एक नंबर पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस योजना का जो लाभ दिया जाता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देय राशि जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस योजना के तहत कन्या को विवाह के समय मात्र 10,000 रुपये भुगतान कन्या के नाम चेक डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चिंता मत करिए, यहाँ पे जो है अगर शादी हो भी चुका है तो यहाँ पे आपको बाद में भी इसका लाभ ले सकते हैं, सिर्फ आपको इसका आवेदन करना होगा RTPS काउंटर पे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म चाहिए, इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कोई भी वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको इसका डायरेक्ट जो है PDF प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको इसका जवाब इंस्टेंट देंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और साथ ही इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट पाने के लिए।